नमस्कार। एक नया खुलासा जो अभी जासूसी प्रकरण चल रहा है उसके तहत हम आपके सामने लाए हैं। सरकार से लगातार यह सवाल हम पूछ रहे हैं पिछले 5 दिनों से, और सीधा सवाल है कि क्या सरकार ने ये पेगासस नाम का जो जासूसी स्पाईवेयर है खरीदा है या नहीं। इस बात का जवाब सरकार अभी तक तो नहीं दे पाई, और ना भी नहीं कर रहे, हाँ भी नहीं करते, ना भी नहीं करते। अलग अलग मंत्री, भूतपूर्व मंत्री अलग अलग जुबान में बात करते हैं। हमने थोड़ी रिसर्च की तो उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। एक होता है जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, सचिवालय है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। सचिवालय का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, कोऑर्डिनेशन का काम है। यूपीए के वक्त उसका बजट 2011 से 17.43 करोड़, 17 करोड़ 45 लाख ये सेक्रेटेरिएट सर्विसेज देता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। अब यह सरकार आई और ये आता है गृह मंत्रालय के तहत। यह सरकार आई 14-15 में, इन्होंने उसको 33 करोड़ कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, 17 को 33 कर दिया। 2017-18 में चौंकाने वाले तथ्य यह है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का में एक नया हेड डाल दिया गया, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये एक नया हेड इसमें डाला और इसका बजट 33 करोड़ से बढ़ाकर 333 करोड़ कर दिया, 300% बढ़ा दिया गया, नया हेड डाला। आप पूछेंगे कि नया हेड डालने में क्या बुराई है, डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। इसमें हैरानी वाली बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्च का एक हेड ऑलरेडी है माइटी, उस मंत्रालय के तहत है, उसका अलग बजट है। तब सवाल यह उठता है कि आपने फिर से एक नया हेड इसमें क्यों डाला साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से, और 33 करोड़ के बजट को 333 करोड़ रुपए क्यों किया, और वो भी 2017-18 में जब यह जासूसी प्रकरण प्रारंभ हुआ। इसका कारण बताइए कि ये 333 करोड़ आपने क्यों बढ़ाया। जो चीज 33 करोड़ में सेक्रेटेरियल सर्विसेज का काम जो विभाग देख रहा था उसका बजट बढ़ा देना, और मैं आपके समक्ष ये तमाम बजट के आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं ये साथ में रख रहा हूं। कल भी आपने देखा रोज नए खुलासे हो रहे हैं, कभी पत्रकारों के, महिला पत्रकारों के फोन उनके कैमरा में घुस जाना, ये छोटी बात नहीं होती। अब जो कल खुलासा हुआ है उसमें सरकारी ब्यूरोक्रेट, बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो कि हमारे सीबीआई को देखते थे, सीबीआई के डायरेक्टर थे और सीबीआई में और वरिष्ठ अधिकारी थे, आइए प्रणव, उन सब लोगों के, आइए ना प्लीज, और उनके परिवार के सदस्यों, उनके परिवार की महिलाओं के सबके कैमरा में सरकार ने अपना जासूसी स्पाईवेयर डाल दिया और उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इजराइल की कंपनी का सॉफ्टवेयर, देश की सुरक्षा एजेंसी के आला अधिकारियों के और उनके परिवारों में डाल दिया गया, ये छोटी बात नहीं होती, ये कोई भी देश प्रेमी सरकार नहीं कर सकती जो मोदी सरकार ने किया है। सीबीआई मतलब देश की कई कई बहुत खुफिया जानकारी जिस विभाग के पास होती है, जिस विभाग के अफसरों के पास होती है, उन अफसरों के मोबाइल में आपने एक विदेशी सॉफ्टवेयर डाला, वो सॉफ्टवेयर से जो जानकारी अर्जित की जा रही थी वो कहां कहां जा रही थी, कौन कौन उस जानकारी को हासिल कर रहा था, ये सोचे बगैर तो नहीं किया होगा। अगर ये सोच कर किया है तो ये बहुत बहुत बड़ा अपराध है, और अगर बिना सोचे किया है तब भी ये अपराध ही है, उससे कम कुछ नहीं है। अब एक मंत्री जो भूतपूर्व मंत्री थे, बड़ी अभूतपूर्व बात कहते हैं,
वो कहते हैं कि साहब 45 देशों ने अगर इसका उपयोग किया तो सिर्फ भारत के ही बारे में क्यों बात हो रही है। ये देखिए, मंत्री थे और अभी तक बड़े आला मंत्री थे रविशंकर प्रसाद जी, आज जो नए मंत्री हैं उनका एक अलग सी टिप्पणी आती है, वो भी चौंकाने वाली टिप्पणी है कि मंत्री कैसे बन गए। कहते हैं कि कोई तथ्यात्मक जानकारी इस बात की नहीं है यह बताने के लिए कि ये जो इकट्ठी कर जा रही थी डाटा, जो जानकारी इकट्ठी की जा रही थी, ये सर्वेलेंस होता है। मंत्री जी मान रहे हैं कि जानकारी इकट्ठी की जा रही थी, मना कोई नहीं कर पा रहा। कल भी कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी, किसी ने ये नहीं बोला कि ये नहीं किया गया। सब दाएं बाएं यहां वहां की बातें कर रहे हैं। आज हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का बजट 33 करोड़ से 333 करोड़ 2017-18 में क्यों हुआ, जब है एक विभाग साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माइटी के तहत, तो ये नया हेड क्यों इसमें डाला गया? क्या पेगासस सॉफ्टवेयर इस पैसे से खरीदा गया? यह हम सीधा सीधा सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। 5 दिन में जो सवाल पूछा उसका उत्तर नहीं मिला, आप 6ठे दिन हम ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं। आलोक वर्मा, सीबीआई के डायरेक्टर निदेशक, उनका झगड़ा आपस में अस्थाना का चल रहा है, एके शर्मा का चल रहा है, तमाम लोगों के मोबाइल में आपने यह सॉफ्टवेयर डाल दिया। आप सोचिए, इजराइल कहता है, इजराइल की एक कंपनी कहती है कि ये आतंकवादी विरोधी गतिविधियों पर नजर, आतंकवाद पर नजर रखने के लिए ये सॉफ्टवेयर है। मैं, कांग्रेस पार्टी, हम सब यह जानना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि भारत के पत्रकार, भारत की सीबीआई के निदेशक, भारत की सीबीआई के और अधिकारी, भारत के उद्योगपति, भारत के विपक्ष के नेता, भारत के एक्टिविस्ट, क्या ये सब आतंकवादी हैं? क्या किसी आतंकवादी को आपने सीबीआई का निदेशक बना दिया था? क्या आप उन पर एंटी टेरर वाला जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी एक विदेश से लाया गया सॉफ्टवेयर? इन तमाम प्रश्नों के जवाब देश बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है, उन्हें नहीं मिल रहे। जिस कंपनी के मालिक को आपने रफेल, गलत तरीके से रफेल में उनको पार्टनर बनवाया, उस पर भी आप नजर रख रहे थे, उसके एक अधिकारी पर भी आप नजर रख रहे थे, परिवारजनों पर भी आप नजर रख रहे थे। आलोक वर्मा जी जो निदेशक थे सीबीआई के, उनके परिवार के 8 सदस्यों पर नजर रखी जा रही थी, महिला, पुरुष, बच्चे, सब। क्या ऐसे सरकारें चलाई जाती कि किसी के बेडरूम में क्या हो रहा है, किसी के बाथरूम में क्या हो रहा है, किसी के ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है, किसी के किचन में क्या हो रहा है, आप उस सब पर नजर रखना चाहते हो? क्या ऐसे आप सुरक्षित रखोगे देश को कि जहां देश को सुरक्षित रखने वाले लोग स्वयं सुरक्षित नहीं हो, उनके परिवार सुरक्षित नहीं हो? अब क्यों ये रफेल से इतना डरते हैं, यह साबित हो जाता है कि मोदी जी रफेल के नाम से थर थर कांपते हैं। आलोक वर्मा, अस्थाना, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी के अधिकारी, रफेल की जो कंपनी है हिंदुस्तान में उसके हेड, सुशांत सिंह जो जर्नलिस्ट हैं और तमाम पत्रकार जो रफेल पे जानकारी एकत्रित कर रहे थे, इन तमाम लोगों के फोन में ये सॉफ्टवेयर डाला गया, इसराइल का सॉफ्टवेयर डाला गया, और वो भी उसी वक्त डाला गया जब रफेल के ऊपर बहुत ज्यादा खुलासे आ रहे थे। तो आपको साफ सीधा सीधा दिख रहा, और हटा कब दिया गया? जब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें लगा कि थोड़ी राहत मिल रही है, वो राहत तो नहीं थी, लेकिन इन्हें जब लगा कि राहत मिल गई है, तो इन्होंने वो सॉफ्टवेयर की लिस्ट से इन कुछ नंबरों को हटा दिया। साफ सरेआम दिख रहा है कि यह रफेल से घबराया हुआ प्रधानमंत्री, यह रफेल से थरथर कांपती हुई सरकार ने अपने ही लोगों की जासूसी करवाई कि कहीं रफेल की कोई जानकारी यहां वहां नहीं हो रही हो। आने वाले दिनों में क्या पता किस किस का नाम आ रहा हो, क्या पता कौन कौन से अधिकारियों का नाम आ रहा हो। अभी तक तो यह साबित कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि उनकी नजरों में, हमारे अपने विपक्ष के नेता उनकी नजरों में, उनकी अपनी पार्टी के नेता उनकी नजरों में, हमारे सीबीआई के निदेशक और अन्य अधिकारी उनकी नजरों में, अनिल अंबानी और अन्य उद्योगपति उनकी नजरों में, आरएसएस के नेता उनकी नजरों में पत्रकार, ये सब आतंकवादी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित कर दिया। बाकी देश क्या कर रहे हैं? आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कल
रात को फ्रांस का कैबिनेट मिला और उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया। इजराइल ने ना केवल उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है, इस कंपनी पर किस तरह से एक्सपोर्ट पे रोक लगाई जाए उस पर भी चर्चा हो रही है। मोरक्को ने जांच शुरू कर दी है, ब्राजील ने जांच शुरू कर दी है। हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? हमारे देश की सरकार के अलग अलग मंत्री अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो हिम्मत जुटा नहीं पाएंगे इस पर एक शब्द बोलने की। जो आदमी रफेल के नाम से कांपता हो, जो आदमी चीन के नाम से कांपता हो, उससे क्या उम्मीद करेंगे हम जवाब देने की? लेकिन बाकी देश क्या कर रहे हैं और हमारा देश क्या कर रहा है, ये देखकर शर्म के मारे सर झुक जाता है। हम सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, एक सवाल जो है दोहराना चाहते हैं। क्या पेगासस सॉफ्टवेयर सरकार या सरकार की किसी एजेंसी ने खरीदा? और अगर सरकार ने खरीदा तो क्या जो सॉफ्टवेयर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, क्या वो अपने ही अधिकारियों, अपने ही राजनेताओं, अपनी पार्टी के नेताओं, पत्रकारों, एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए लोगों, क्या इन सब पे इस्तेमाल किया? और अगर सरकार ने नहीं इस्तेमाल किया, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ सरकारों को बेचा जाता है, वो कंपनी कहती है, हम नहीं कह रहे, तो फिर किस सरकार ने, ये मोदी सरकार के रहते हुए हमारे ही देश के नागरिकों पर किसने जासूसी की? अभी तक सरकार ने मना नहीं किया है कि खरीदा है। हम यह जानना चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का बजट 33 करोड़ से 333 करोड़ क्यों कर दिया गया 2017-18 में, इस पैसे से क्या किया गया, यह देश के साथ साझा कीजिए, या आप पार्टी के सब तमाम पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाइए, उनके साथ साझा कीजिए, लेकिन यह जानकारी साझा कीजिए। 303 सीटें लेकर आए हैं, अपने बॉर्डर नहीं बचा पाते, पुलवामा नहीं रोक पाते। पेगासस अगर सही जगह इस्तेमाल किया होता तो आज सवाल भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि उससे हमारे जवानों की जान बच जाती, हमारा एयर बेसिस जो है वो बच जाते, पूरी पठानकोट, पैम्पोर, अमरनाथ यात्रा, जितने आतंकवादी हमले हमारे रक्षा ठिकानों पे हुए हैं वो नहीं होते। लेकिन आपकी प्राथमिकता है कि आप सारी नज़र अपने ही अधिकारियों, अपने ही नेताओं, अपने कोलीग्स, अपने पत्रकारों, अपने देश के नागरिकों पर करते हैं, विदेशी दुश्मन पर नहीं करते हैं, ये साबित हो गया। हम ना केवल हम, अब तो आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मोदी जी की आंखों को खटकते हैं, पत्रकार, तमाम पत्रकार 3-4 छोड़ के मोदी जी की आंखों को खटकते हैं, वो सब अब ये मान चुके हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी, हम दो और हमारे वो जो ये जासूसी उपकरण देते हैं और कुछ नहीं, इनके सामने और किसी का कोई महत्व नहीं है, ना अपनी पार्टी के नेताओं का, ना आरएसएस के नेताओं का, ना पत्रकारों का, ना एक्टिविस्ट का, ना जुडिशरी का, ना ऑपोजिशन का, ना कॉरपोरेट्स का, किसी का कोई मतलब नहीं है। हम सुरक्षित रहें, बाकी जाएं भाड़ में, देश जाए भाड़ में, ये है इनका असली नियत। आप कहें तो अंग्रेजी में, नहीं तो सवाल। वी हैव बीन कमिंग टू यू विथ न्यू रेवलेशंस एवरी डे ऑन द Pegasus gate, on this software which the government has used to snoop not just on journalists, not just on women journalists, not just on judiciary officers, not just on opposition leaders and their friends and families, not just the bureaucracy and their families. We've also got to know that they are snooping on corporates, on senior officers who were once heading the CBI. A very critical department which has access to all kinds of secrets was being snooped upon by the Prime Minister, by this government. What we have researched is the budgetary allocation to the National Security Council Secretariat, which comes under the Home Ministry. Under the UPA, it was 17.43 crores, 17 crores 43 lakhs. Mr. Modi's government came and increased it to 33 crores. But in 2017-18, a new head was created under the National Security Council Secretariat, which was called the Cyber Security Research and Development.
एंड द बजट शॉकिंगली वॉज इंक्रीज फ्रॉम 33 crores टू 333 crores. Now this is a shocking revelation. Was this money used to buy Pegasus software? Why do we ask this question? Because there already exists a department under the MeitY on cyber security research and development. Why then was the need felt to create a parallel department under the National Security Council Secretariat and increase the budget by 300% from 33 crores to 333 crores. This is a question which will haunt this government. Every day new revelations, as I said, keep coming. Last night we saw how senior bureaucrats Alok Verma, Asthana, AK Sharma connected with the CBI, topmost officers of the CBI, their phones were being hacked by the Pegasus software. Everything from the officer in the judiciary to the bureaucrats of the CBI to the corporate Anil Ambani and his office, everything is related to one word, Rafael. Because the timeline, apart from the timeline, the officers of the Rafael company in India were also targeted by the Pegasus software. The journalists who were covering the story were also targeted by the Pegasus software. And the moment the government thought that it has procured a relief from the Supreme Court, these numbers were removed from the list. One former minister, Ravi Shankar Prasad, comes and says, why is India being singled out? 45 countries have used this. He's not denying that it was used. A new minister, Ashwini Vaishnav, comes and says there is no factual basis to say that this data was being used for surveillance. He's also not denying that there is data which exists, which was procured illegally by the government. Mind you, Pegasus, the company NSO, says that this software is for counter-terrorism. We asked the Prime Minister of India, does he consider all of you, journalists here, all of us, opposition leaders here, bureaucrats, judicial officers, does he consider them as terrorists? His own cabinet colleagues, leaders of the RSS, according to the Prime Minister and Mr. Amit Shah, are these terrorists? We repeat our question. Which agency of the government procured Pegasus? No response from the government. Now we have given you evidence, which is very, very prima facie evidence. Was this increased by 300% in the National Security Council Secretariat used to procure Pegasus software? This is our second question. Other countries, whether it's France, last night the French cabinet met to finalize and order an inquiry into Pegasus episode. Israel has not just ordered an inquiry, they are also looking into ways of how to stop export of Pegasus software. Morocco has ordered an inquiry. Brazil has ordered an inquiry. India is the only country which, instead of ordering an inquiry, instead of answering these questions, keeps smiling proudly as if they are very proud of their roguish activities. The country's head hangs in shame when they get to know that women journalists, family members of bureaucrats were being targeted. Family members of judicial officers were being targeted. Why is it that this government under the Prime Minister wants to know what's happening in our kitchens, in our bedrooms, in our bathrooms, in our drawing rooms? The country's head actually hangs in shame today. Instead of ordering an inquiry, this is what this government does. We demand answers. The nation wants to really know the answers to these questions. If this government did not buy Pegasus, because the company says it only sells to governments, which other government was snooping on our Indian citizens, on important Indian citizens? On moral grounds, this Home Minister should resign, this government should resign. Your questions, please. राहुल गांधी को शक है कि उसका फोन टैप हुआ है तो उसको अपने फोन को इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे दे देना चाहिए।
चाहिए ताकि आईटी एक्ट के तहत जो भी आयस कार्रवाई बनती है वो सभी अगर उनके सब कुछ विक्टिम करे, जो विक्टिमाइज करते हैं वो कुछ ना करें। राजवर्धन जी अपना फोन देंगे किसी को? उनसे ये पूछ लीजिएगा, वो अगला सवाल आपसे नहीं ले पाएंगे। पहले इससे संबंधित कोई हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आप। काश कि ये पेगासस का सॉफ्टवेयर देश के दुश्मनों पर इस्तेमाल किया जाता। ये हम बार बार दोहराते हैं, जिस सरकार की नाक के नीचे उरी में हमला हुआ, पठानकोट पे हमला हुआ, पाम्पोर में हमला हुआ, अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ, बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, वह सरकार पुलवामा पे जवाब नहीं दे पाती, पुलवामा में आरडीएक्स कैसे पहुंचा सरकार को नहीं पता चला, पुलवामा में हमारे 45 जवान शहीद हुए सरकार नहीं रोक पाई, पेगासस क्या देश के नागरिकों के लिए है, सीबीआई डायरेक्टर के लिए है, देश के उद्योगपतियों के लिए है, देश के पत्रकारों के लिए है, देश के न्यायिक अधिकारियों के लिए है, देश के विपक्ष के नेताओं के लिए है, अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए है, देश के दुश्मनों के लिए नहीं है। यही हमारी बात बार बार हम दोहराते हैं। थैंक यू।